आज की ये इमरजेंसी मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है कि देश की जनता में दहशत फैली हुई है, न जाने कब बम ब्लास्ट होगा और वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। ये शहर शहर नहीं, शमशान घाट हो गया है। हमें फौरन उन लोगों तक पहुंचना है जो मौत के सौदागर बने हुए हैं। मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी विदेशी ताकत का है, जो नहीं चाहते कि हमारा देश तरक्की करे, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। विदेशी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देशी कुत्ते उनकी झुठन न चाटे। हमारे देश का कोई कुत्ता है जो उन लोगों से जाकर मिल गया है, ढूंढ निकालो उसे। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके खानदान में फिर कभी कोई गद्दार पैदा नहीं होगा। Yes, to our partnership. मिस्टर ट्रिकाल, हमारा गवर्नमेंट तुम्हारे से बहुत खुश है। अच्छा? इसलिए हमारा गवर्नमेंट का तरफ से ये छोटा सा इनाम $5,00,000। थैंक यू। बट मिस्टर ट्रिकाल, एक बात का ख्याल रहे, हमारा कंट्री का नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोनों कंट्री के बीच का रिलेशन खराब हो जाएगा। फिकर ना करो मिस्टर ली, त्रिकाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ना तुम्हारा नाम आएगा ना हमारा। हम हमेशा अपना इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। बेचारा विजय श्रीवास्तव। सर, थैंक यू। मुजरिम विजय श्रीवास्तव, सजा 5 साल, गुनाह मां बाप और भाई का कत्ल। चलो भाई, ये रही तुम्हारी खोली। चलो त्रिकाल सेठ, विजय श्रीवास्तव को तो रास्ते से हटा दिया, अब हीरालाल का भी कुछ कीजिए, वो जेल से जल्दी ही छूटने वाला है। तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे मां बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है RDX, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए, मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। आई सी, तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं
मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश, तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अकलमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूँ। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं, ये इडियट उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। डैडी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है। त्रिकाल स्पीकिंग। जिस बारूद के ढेर पे बैठकर तू दूसरों की जिंदगी का फैसला किया करता था ना, उसी ढेर को मिटाकर मैंने तेरी कब्र खोद दी है। यकीन नहीं आता तो अपने गोडाउन के धमाकों की आवाज को सुन। त्रिकाल नाम है मेरा। मैंने पूछा आपसे। जी, बाहर जाइए, इजाजत लीजिए, फिर अंदर आइए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? जी नहीं, मैं तो कुत्ते से कह रहा था। आउट आउट आउट। अजीब आदमी है। मे आई कम इन? कम इन, बैठिए। ये अंदाज मुझे अच्छा लगा। सर, कल रात मिस्टर त्रिकाल के गोडाउन को विजय श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने जला दिया। इन्होंने उसका भी कुछ जलाया होगा। मिस्टर प्रताप, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। शुक्र है आप तो बच गए। मुझे जलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। जलाए तो आप भी जाएंगे। आ
आपके मरने के बाद। मिस्टर प्रताप सिंह, मैं यहाँ आपके घटिया जोक सुनने के लिए नहीं आया। तो आप भी कोई अच्छा सा जोक सुना दीजिए ना। जोक नहीं, एक हकीकत सुनिए। मेरा दामाद यहाँ मिनिस्टर है। अगर 24 घंटे के अंदर आपने विजय श्रीवास्तव को गिरफ्तार नहीं किया तो आपकी ये कुर्सी बाकी नहीं रहेगी, समझे? मिस्टर त्रिकाल, तुम्हारा दामाद अपनी कुर्सी के लिए हर 5 साल के बाद झोली फैलाकर भिखारियों की तरह गली गली भटकता है, लेकिन ये IPS ऑफिसर ना किसी की दया का मोहताज है और ना किसी के बाप से डरता है। अगर मेरी सिगरेट खत्म होने तक तुम खुद इस ऑफिस से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर यहां से बाहर निकाल दूंगा।